जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि टॉप फोर फीचर्स जो कि स्पेशल है Realme का किसी भी फोन के अंदर। ये स्पेशल फीचर्स आप चेक कर सकते हो, काफी बढ़िया है और मजेदार तौर से वर्क करता है। मैं आपको बताऊंगा एक एक करके चारों चीज का। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी टाइप का टिप्स एंड ट्रिक लेके आता हूँ। पहला जो आता है डार्क मोड। तो आपको डार्क मोड के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है और सबसे नीचे चले जाना है Realme Lab। ठीक है, यहाँ पे डार्क मोड के लिए Realme Lab जाके यहाँ पे ऑप्शन आता है इनेबल नाउ। ठीक है, आप देखिए डार्क मोड हो गया, बहुत इजीली है। और डार्क मोड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कौन सा है इसको यहाँ पे चेक कर लीजिए। ये जो एप्लीकेशन इसके अंदर इनेबल है, ये सारे एप्लीकेशन आपको डार्क मोड हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आपको किसी को डार्क मोड नहीं करना चाहते हो, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर अगला फीचर्स जो आता है स्प्लिट स्क्रीन। ठीक है, अगर आपको स्प्लिट स्क्रीन चाहिए यानी कि एक ही स्क्रीन के अंदर दो दो एप्लीकेशन यूज करना है, तो उसके लिए सिंपल सा, आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर हो तो आप यहाँ पे मानो जीमेल के अंदर है, आप चाहते हो जीमेल को आप ऊपर स्प्लिट स्क्रीन करना है, तो सिंपल सा ये जो थ्री फिंगर है आपका, तो इसको ऊपर तक धकेल दोगे। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन आ गया, जीमेल आपके सामने आ गया और नीचे आपका एप्लीकेशन सारे शो कर रहा है। काफी बढ़िया और रियलमी का जबरदस्त फीचर से ये आप चेक कर सकते हो। मेरे पास जो है Realme 3 Pro है, आपके पास Realme X2 Pro है या किसी भी फोन हो Realme का, तो उसके अंदर ये फीचर्स इनेबल है, आप चेक कर सकते हो। दोस्तों, अगला फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है ऐप क्लोनर। दोस्तों, यहाँ पे हम यूज करते हैं, अगर कभी हमारे पास सिंगल अकाउंट है उसको डबल यूज करना है तो डुअल ऐप के लिए जाना है, तो सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चले जाइए। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐप क्लोनर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आप डुअल ऐप बना सकते हो अपने हिसाब से, जो जो एप्लीकेशन को चाहिए। काफी बढ़िया है और आप ये यूज कर सकते हैं किसी भी Realme के फोन के। और आखिरी में एक जबरदस्त सेटअप है, आप क्विक स्क्रीनशॉट लेने के लिए, आप अगर गूगल के अंदर हो तो कुछ न्यूज रीड कर रहे हो इस बीच में, आपको यहाँ पे चेक हो जाएगा। नॉर्मल वे में आपको थ्री फिंगरप्रिंट से नीचे स्वाइप करेंगे, ये आपको सामने दिख जाएगा। दोस्तों, अगर आप नॉर्मली कोई न्यूज पढ़ रहे हो और न्यूज को आप दोस्तों को शेयर करना है तो इंस्टेंट आपको स्क्रीनशॉट कैसे होगा, तो थ्री फिंगर लेना है आपको, यहाँ पे स्वाइप डाउन कर देना है। तो स्वाइप डाउन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है और यहाँ पे लिख भी देता है अगर लॉन्ग लेना है तो लॉन्ग के लिए ऑप्शन आता है और ये ऊपर बढ़ता रहेगा, जहां तक चाहिए आप उसको वहां तक डन कर दीजिए, फिर शेयर करना और एडिट करना जो भी कुछ कर सकते हैं। काफी कूल फीचर्स है, आप ये सब चेक कर सकते हो Realme के डिवाइस के अंदर। मैं जो यूज करता हूँ Realme 3 Pro। तो बस ये था आज के वीडियो, मिलेंगे नए साथ। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा नए साथ, तक बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। We'll be right back.